उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले बाय इलेक्शंस के लिए 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन जारी रहने की बात कही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कांग्रेस ने सपा को हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में एक भी सीट नहीं दी तो अखिलेश आखिर क्यों यूपी के बाय इलेक्शंस में कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं। बड़ी कहानी है इसके पीछे। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मिली उपेक्षा के बावजूद समाजवादी पार्टी ने सकारात्मक सबक लिया। एकला चलो रे की रणनीति से सिर्फ नुकसान ही हाथ लगा, इसलिए यूपी के विधानसभा उपचुनाव में इंडियन गठबंधन यानी इंडी गठबंधन को बरकरार रखा जाएगा, ऐसी चर्चा है। कांग्रेस को सीटों के लिहाज से हिस्सेदारी मिल सकती है, यह भी चर्चा है। आपको यह भी बता दें कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने इंडी गठबंधन में शामिल सपा और आम आदमी पार्टी को कोई हिस्सेदारी नहीं दी थी। इस पर सपा ने तो वहां कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूरी सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ा और शायद यही वजह है कि पार्टी के नंबर इस तरह से आए। परिणाम पर नजर डालें तो कांग्रेस को 39.09%, आम आदमी पार्टी को 1.79% वोट मिला। वहीं बीजेपी को 39.94% वोट मिले। अकेले के दम पर उसने बहुमत हासिल कर लिया। मुकाबला आमने सामने का होने पर मतों में भी मात्र 1% का अंतर आया, जो कि बहुत बड़ा अंतर हो गया, और यही 1% आम आदमी पार्टी ले गई थी। चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस ने अन्य दलों का साथ लेते हुए चुनाव लड़ा होता तो परिणाम की तस्वीर हरियाणा में दूसरी होती। कांग्रेस 13 सीटें 5000 से कम मतों से हारी है, अंदाजा लगाइए, 5000, मात्र 5000। सपा की हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र भाटी कहते हैं कि सपा का साथ न लेने से कांग्रेस को 35 सीटों का नुकसान हुआ है। भले ही भाटी का दावा थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन इंडी गठबंधन के सूत्र ये मानते हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हरियाणा में प्रचार करने गए होते तो शायद यादव वोटर्स एक तरफा तौर पर बीजेपी के साथ न जाते। इसमें यादव मतदाताओं के प्रभाव वाले 7 जिले हैं और 10 से 12 सीटें जो हैं वो प्रभावित होती हैं हरियाणा में, और 10 से 12 सीटों का ही नुकसान कांग्रेस को हुआ है। हरियाणा के परिणाम आने के बाद से अखिलेश यादव कह चुके हैं कि इंडी गठबंधन बरकरार रहेगा और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ही उठाएगी। इसके संकेत भी मिल रहे हैं कि बाय इलेक्शंस में कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। वैसे देखा जाए तो 6 सीटों के आसपास का ऐलान समाजवादी पार्टी बाय इलेक्शंस के लिहाज से कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूपी की जिन 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उनमें करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजवा, कटहरी, खैर, मीरापुर पर वोटिंग की तैयारी है। 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने की वजह से खाली हुई हैं, आप सब जानते हैं। कानपुर की सीसामऊ जो सीट है वहां पर इरफान सोलंकी एक मामले में 2 साल से अधिक की जेल में गए हैं, जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई है। अखिलेश यादव ने विधानसभा उपचुनाव की 10 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जैसा अभी हमने बताया, लेकिन अभी भी 4 सीटों को होल्ड पर रखा गया है, जिनमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की सीट है। सपा ने जिन 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है उनमें मजवा और फूलपुर भी शामिल है। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके सपा मुखिया ने एक तरह से कांग्रेस को दबाव में लाने का काम किया है। शेष 4 सीटों में कांग्रेस की हिस्सेदारी मिलने की संभावना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी यूपी के 2 लड़कों के तौर पर प्रोजेक्ट हुए थे, क्या उनकी जोड़ी एक बार फिर यूपी उपचुनाव में देखने को मिलेगी या नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव का यह बयान ये संकेत देता है कि इस बाय इलेक्शन में कांग्रेस इंडी गठबंधन के साथ ही काम करते हुए वो दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस ने एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं दी थी, आम आदमी पार्टी को नहीं दी थी, यूपी में कुछ भी हो सकता है। हालांकि इंडी गठबंधन की मजबूती की जिम्मेदारी खुद सपा मुखिया ने ली है, तो हो सकता हो उपचुनाव में यूपी के ये 2 लड़के जोड़ी के साथ नजर आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।